प्यारे दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल डियर प्लेसेस विद आरिप पर स्वागत है। आज मैं इलाहाबाद की एक बहुत बड़ी हस्ती के सामने उपस्थित हूं, मंडलीक सर। संस्कृत के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, तो मैंने सोचा कि सर के सामने उपस्थित हुआ जाए और जानने की कोशिश की जाए कि संस्कृत भाषा की जो वर्तमान में प्रगति है वो कैसे चल रही है और जो संस्कृत के प्रतियोगी हैं उनकी समस्याओं का समाधान भी सर के सामने, मतलब वो प्रश्न पूछे जाएं तो सर के उत्तर से लोगों को मदद मिलेगी कि किस तरह से रणनीति बना करके वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो आइए मैं सर से जो है वो परिचय कराता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल डियर प्लेसेस विद आरिप पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि आपका जन्म कहाँ हुआ था, आपके माता पिता मतलब किस ज़िले से रहने वाले हैं और कब आपका रुझान जो है वो संस्कृत भाषा के प्रति हुआ। इसी प्रयागराज जिले में ही जमुनीपुर नाम का एक गांव है। ये जमुनीपुर झूसी से लगभग 10 किलोमीटर पूरब की ओर अवस्थित है। और मेरे पिताजी का नाम श्री लालमणि त्रिपाठी है, मेरी माता जी का नाम श्रीमती राजकुमारी त्रिपाठी है। मैं एक अत्यंत आध्यात्मिक और धार्मिक परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। संस्कृत में मेरी रुझान, जब मैं हाई स्कूल का विद्यार्थी था उसी समय मेरे स्वर्गीय चाचा जी पंडित इंद्रमणि त्रिपाठी जी, जो ज्योतिष के अच्छे विद्वान थे, उनके की विशेष प्रेरणा से हुआ। उन्होंने उसी समय से, जब मैं कक्षा 9 में पढ़ता था, तभी से संस्कृत में अनुवाद कराने के प्रति मेरी विशेष प्रवृत्ति जागृत की। मैं प्रतिदिन अनुवाद करने लगा और वे स्वयं उसका मूल्यांकन करते थे। धीरे धीरे लगभग 2 सालों में मुझे लगा कि मैं अनुवाद में बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच गया और जब इंटरमीडिएट में पहुंचा तो नए जो हमें गुरु प्राप्त हुए, जो लेक्चरर थे, उन्होंने कुछ दिनों तक मेरा अनुवाद जांचा और उसके बाद जितने विद्यार्थी कक्षा में थे उन सब का अनुवाद मूल्यांकित करने के लिए मुझे निर्दिष्ट कर दिया और उनकी कृपा मेरे ऊपर 2 वर्ष बनी रही। श्री महेंद्र प्रताप सिंह जी उनका नाम है और मोतीलाल नेहरू इंटर कॉलेज जमुनीपुर में वे लेक्चरर पद पर आसीन रहे। उनकी ऐसी कृपा रही कि उनके माध्यम से फिर मुझे कभी अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं पड़ी और मुझे लगा कि अब मैं अनुवाद के क्षेत्र में, माने भाषा जो रीढ़ है संस्कृत की, उसके क्षेत्र में मैं काफ़ी आगे बढ़ चुका हूँ। फिर मैं बीए में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मैंने प्रवेश लिया जी। तो यहाँ संस्कृत विषय, दर्शन शास्त्र और अंग्रेजी साहित्य 3 विषय लिए और फिर बीए का कार्य पूरा हुआ और फिर मैंने संस्कृत से ही एमए किया, इसलिए कि साहित्य भी था, मेरे घर परिवार में आध्यात्मिकता और धर्म का एक विलक्षण समन्वय था और मेरे पिताजी भी पांडित्य कर्म में विशेष रूप से प्रवीण रहे और चाचा जी की ज्योतिष का भी विशेष प्रभाव पड़ा, तो इस कारण से मैंने परास्नातक भी संस्कृत विषय के साथ ही उत्तीर्ण किया। और उत्तीर्ण करने के ठीक बाद ही मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की परीक्षा दी और फिर मैंने उच्च मेरिट में जी JRF की डिग्री प्राप्त की जी। फिर वहीं से मैंने DPhil की उपाधि भी प्राप्त की और वहाँ पर लगभग 2.5 वर्ष मैंने अध्यापन का काम किया और उसी दौरान विभिन्न प्रकार के विद्यार्थी अध्ययन करने के लिए भी मेरे पास आने लगे, तो नेट JRF पढ़ने के लिए भी और इसके साथ ही साथ तमाम BA और MA का अध्ययन करने वाले छात्रों की भी भीड़ एकत्रित होने लगी। उस भीड़ को एकत्रित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए मैंने शक्ति कोचिंग का सहारा लिया। शक्ति कोचिंग जो बालसन चौराहे के बगल में वर्तमान में भी विराजमान है, इसके डायरेक्टर श्री राहुल पांडे जी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के निवर्तमान उपाध्यक्ष रहे हैं, उनसे हमारी मैत्री का संबंध स्थापित हुआ जी। और उनके कहने पर मैंने उनके यहाँ ऑफलाइन कक्षाओं को लेना आरंभ कर दिया जी। और वे सारे विद्यार्थी एक स्थान पर केंद्रित हो गए। फिर धीरे धीरे ये क्रम बढ़ता रहा, लगभग 2 दशक बीत गए जी। और इस प्रकार से मेरी संस्कृत की यात्रा जी, वर्तमान में संस्कृत व्याकरण,
पीजीटी, पीजीटी, एलटी, यूजीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि को अधीत कराते हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यमों में अग्रसर होती चली आ रही है। जी, तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि संस्कृत भाषा जो है वो विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है, तो भारतवर्ष में मतलब संस्कृत का जो मतलब ये उत्थान है वो मतलब अभी वर्तमान में उतना नहीं, तो उसके पीछे क्या कारण देखते हैं, मतलब क्या ये मानते हैं कि अंग्रेजों के आने के बाद इसमें कोई कमी हुई है? संस्कृत के क्षेत्र में सर्वाधिक प्रगति का जो समय था वह तो 10वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के इर्द गिर्द तक का था, उसके पूर्ववर्ती काल में था। उसके बाद यह सत्य है कि विदेशियों का आगमन हुआ, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, अंग्रेज, मुसलमान, विभिन्न प्रकार के लोग भारतवर्ष में आते रहे। कुछ ने केवल अपने सामान्य लक्ष्य को पूर्ण किया और करके चले गए, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे थे जैसे अंग्रेज, उन्होंने भारतीय संस्कृति पर ही कुठाराघात करना आवश्यक समझ लिया और विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को समूल नष्ट करने का भी उन्होंने यत्न किया जी। जिसके कारण धीरे धीरे संस्कृत शिक्षा में ह्रास उत्पन्न होने लगा, जबकि 17वीं शताब्दी ईस्वी में शाहजहां ने पंडित राज जगन्नाथ को अपना दरबारी कवि बनाया था जी। और उनके प्रथम पुत्र दारा शिकोह को उन्होंने संस्कृत पढ़ाया था जी। दारा शिकोह ने प्रभावित होकर के उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद भी किया था जी। तो यह परंपरा संस्कृत की उस समय भी बड़े सुंदर ढंग से चलती रही जी। और भट्टोज दीक्षित, अप्पय दीक्षित जैसे बड़े दर्जे के विद्वान उस समय काशी में आकर निवास करते रहे जी। लेकिन उसके और समय के बाद धीरे धीरे गिरावट दर्ज हुई जी। और मैं समझता हूँ कि उसके बाद लगभग 250 सालों तक ये गिरावट दर्ज रही। 19वीं-20वीं शताब्दी में कुछ संस्कृत विद्वानों ने इसमें पुनः प्रगति की। पंडित अंबिका दत्त व्यास का नाम प्रमुखता से लिया जाता है जी। उन्होंने केवल 42 साल की उम्र में 78 संस्कृत की और हिंदी की पुस्तकें प्रदान की। उनमें उनका एक सामवतम नाटक है जो बड़ा सुंदर नाटक कहा जाता है और अभिज्ञान शाकुंतल की बराबरी मानो करने लगता है। इसी प्रकार से पंडित अंबिका दत्त व्यास की बराबरी करने वाला, उनकी कादंबरी की बराबरी करने वाला उनका शिवराज विजयम नाम का एक गद्य काव्य है जी। और पुनः भारत आजाद हुआ और भारत की स्वतंत्रता के बाद धीरे धीरे संस्कृत के क्षेत्र में यद्यपि पुनः कुछ बढ़ोतरी आरंभ हुई, लेकिन तब तक अंग्रेजी विद्यालयों का समावेश हो चुका था और अतिशय समावेश हो चुका था जी। इसलिए बहुत सारे इंटर कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज ये सभी स्थापित हो गए थे और इनमें संस्कृत विषय के सापेक्ष अन्य विषयों की विशेष महत्ता हो चुकी थी, बढ़ चुकी थी जी। ऐसी स्थिति में जो संस्कृत विद्यालय रहे ये उपेक्षा के शिकार रहे जी। पूर्व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी ने शिक्षकों की दयनीय दशा पर यद्यपि विशेष ध्यान दिया और उन्होंने संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों पर भी ध्यान दिया, जिसका फल ये हुआ कि इनको नियमित वेतन मिलने लगा, अन्यथा अनुदान पर ये आधारित होते थे, इनका वेतन समय पर प्राप्त नहीं होता था। इसलिए अंग्रेजी विद्यालयों के शिक्षकों के साथ ही साथ धीरे धीरे इनका वेतन नियंत्रित हो गया और प्रत्येक महीने में प्रायः प्राप्त होने लगा। वर्तमान में भी संस्कृत की जो स्थिति है वह सामान्य रूप से आगे बढ़ रही है, विभिन्न प्रकार की विधाओं में रचनाएं की जा रही हैं, पद्य लिखे जा रहे हैं, गद्य लिखे जा रहे हैं, नाटक लिखे जा रहे हैं, विभिन्न प्रकार के चंपू काव्य लिखे जा रहे हैं और नई नई कुछ विधाएं जो विदेश स्तर पर भी विराजमान है वे भी लिखी जा रही, जैसे उर्दू में गजल होती है तो संस्कृत में भी गलत जलिका नाम से श्लोक लिखे जा रहे हैं, वे गजल जैसे ही हैं, गजल ही हैं जी, जी। उनके बहुत करीब हैं। प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र प्रयागराज की धरती के बड़े विद्वान माने जाते हैं जी। उन्होंने अनेक गलत जलिकाएं लिखी हैं, उनके काव्य लिखे हैं। प्रोफेसर हरदत्त शर्मा, प्रोफेसर जनार्दन प्रसाद पांडे मणि, प्रोफेसर राधा बल्लभ त्रिपाठी जी जी, प्रोफेसर कमलेश दत्त त्रिपाठी आदि बड़े दर्जे के विद्वान हैं जी। और इन लोगों ने अनेक संस्कृत की रचनाएं की जी। इसलिए मैं समझता हूं कि संस्कृत के क्षेत्र में वर्तमान में
कार्य चल रहा है। इधर TGT और PGT तथा UGC और असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की जो परीक्षाएं अनेक प्रतियोगी दे रहे हैं उनकी संख्या में भी अपूर्व वृद्धि हुई है जी। लेकिन इसमें जरूर जो सामान्य विद्यार्थी हैं उनको आकर्षित करने का लक्ष्य कुछ शिक्षकों द्वारा बना करके संस्कृत की जो उच्च स्तरीय स्थिति है उसमें मानो बाधा पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार की स्थिति देखी जा रही है। वास्तविकता ये है कि जो शास्त्रीय पद्धति भारतवर्ष में प्रचलित थी और जिसका समाश्रय ले करके ही प्रतियोगी तैयारी करते थे तो अच्छे शिक्षक बनते थे और अच्छी शिक्षा देते थे जी। लेकिन कुछ ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने लोभ में बांध करके प्रतिस्पर्धियों को गैर शास्त्रीय तरीके से शिक्षित करने का दुस्साहस किया है जी। उन्हें रूप जहाँ पर एक वचन द्विवचन बहुवचन के हिसाब से रटवाया जाता था कभी जी। और आजकल वे एक एक वचन की सारी विभक्तियों के रूप फिर दूसरी वचन के फिर तीसरे वचन के, तो इस प्रकार से जो ये रटवाने की पद्धति है वह गैर शास्त्रीय तरीके से हो गई है क्योंकि विभक्तियों में वचन बटे होते हैं, वचनों में विभक्तियां नहीं, इसलिए वो फार्मूला मानो कहीं कहीं उल्टा पड़ रहा है और इस प्रकार से गा करके किसी तरह से काम हो जाए ये पद्धतियां अपनाई जा रही है जो शास्त्रीयता का हनन है जी। और ऐसा शिक्षक अगर बन जाएगा, वह विद्यार्थी शिक्षक बन गया तो फिर वह भी जो शिक्षा देगा उसमें भी शास्त्रीयता का क्षरण होगा जी, भंग होगा जी। इस पर अवश्य ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है कि जहाँ जहाँ ऐसा किया जा रहा है सर्वकार तंत्र को चाहिए कि उसके शास्त्रीय पैमाने के लिए बड़े दर्जे के प्रोफेसर नियुक्त करें, उनका मूल्यांकन करें और उसे हटाने का यत्न करें ताकि आगे आने वाले विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए एक शास्त्रीय व्यवस्था कायम की जा सके, स्थापित की जा सके जी। मतलब ये जन सामान्य में मतलब ये धारणा प्रचलित है कि संस्कृत जो है व्याकरण निष्ठ भाषा है, थोड़ा जटिल है, तो ये बात कैसे मतलब प्रचलित हो गई जबकि इसका व्याकरण तो बहुत व्यवस्थित है। देखिए हमारी मातृभाषा चूंकि हिंदी है जी, इसलिए हम हिंदी से अध्ययन करना आरंभ करते हैं, हिंदी ही बोलते हैं जी। जब संस्कृत का आरंभ करते हैं तो चूंकि इसका जो व्याकरण है वो विशाल है ही जी, और इसमें लाखों करोड़ों पुस्तकें अब तक सृजी जा चुकी हैं जी। इसके अनेक भेद भी दिखाई पड़ते हैं वैदिक वांग में, लौकिक वांग में जी, और इनमें भी तमाम आर्य भाषाएं निकल गई हैं, प्राकृत पाली अपभ्रंश आदि अनेक भाषाएं हैं जी। और आज भी विश्व में कई देशों में, भारतवर्ष के कई प्रदेशों में जी, संस्कृत से कुछ व्यतिरिक्त रहने वाली भी भाषाएं दिखाई पड़ती हैं जी। और आज से कम 2500 साल पहले महर्षि पाणिनि का उदयन हुआ था, उन्होंने अष्टाध्यायी नाम का ग्रंथ बनाया था जी। तो इसलिए ये जो पुस्तकें बढ़ी, भाषा का विस्तार बढ़ा, उनके प्रयोग बढ़े, तो स्वाभाविक है कि व्याकरण भी विशेष प्रवृद्ध हुआ जी। यद्यपि पाणिनि जैसा त्रिकालदर्शी महर्षि उत्पन्न हुआ और उन्होंने सारे व्याकरण के नियमों को सूत्रों में बांध दिया, व्यवस्थित कर दिया, ये बड़ा सौभाग्य रहा संस्कृत का जी। और वही कारण रहा कि 2500 साल पहले जो संस्कृत बोली जाती थी वही आज भी बोली जा रही है जी। उसमें कोई परिवर्तन लिपि या बोली में नहीं आया है जी, जी। बावजूद उसके चूंकि सूत्र शैली में व्याकरण निबद्ध है इसलिए कुछ काठिन्य विद्यार्थी के समक्ष अवश्य आता है जी। परंतु यदि वे पलायन न करें और सहज रूप से धीरे धीरे कुछ कुछ सूत्रों के साथ अध्ययन करना आरंभ करें तो ये काठिन्य निवारण किया जा सकता है। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे उनमें भाषा की गति बननी आरंभ हो सकती है और अनुवाद आदि करने के माध्यम से धीरे धीरे तमाम नियमों का प्रयोग उसके अंतर्गत आ जाता है। तो इसलिए जितना अलग से लोग संधि समास उपसर्ग प्रत्यय धातु रूप लकार आदि का अध्ययन करते हैं, अगर उनका प्रयोग जिसमें विराजमान है ऐसे अनुवाद को भी दैनिक रूप में करना आरंभ करें तो 3-4 महीने में ही महज इस समस्या का निराकरण संभव हो सकता है। सर ये जो शक्ति कोचिंग है यहाँ पर जो मतलब अगर कोई कोचिंग लेना चाहे तो इसका समय कब है, सत्र क्या है? यहाँ पर जो अध्ययन संस्कृत का हो रहा है उसमें व्याकरण की अलग ही कक्षा निर्धारित की गई है जी। 8:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक 1 घंटे केवल व्याकरण की कक्षा होती है जो TGT, PGT, LT, UGC असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्पेशल है
और उसके बाद फिर विभिन्न प्रतियोगी पाठ्यक्रमों को सम्मिलित किया गया है, तो उन पाठ्यक्रमों में व्याकरण से हटे हुए जो उनके साहित्य के दर्शन के वेद के पाठ्यक्रम हैं उनको स्थापित किया गया है। माने व्याकरण की कक्षा के बाद TGT फिर PGT फिर UGC असिस्टेंट प्रोफेसर जी। तो 9:30 बजे से लेकर के लगभग 12 बजे तक यहाँ अध्ययन अध्यापन का क्रम संस्कृत विषय को लेकर के हुआ करता है। ऑनलाइन भी मतलब ये सेवा उपलब्ध है जी, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्रमों में, चूंकि ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन के इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं। श्री शैलेंद्र तिवारी जी हैं जो कंप्यूटर का संचालन विशेष रूप से करते हैं जी, और संस्कृत मंडलीकम नाम का एक ऐप बना हुआ है जी। यह YouTube चैनल के रूप में भी है, टेलीग्राम चैनल के रूप में भी है, इंस्टाग्राम के रूप में भी है, व्हाट्सएप के रूप में भी है, और ये ऐप के रूप में भी बना हुआ है। ऐप पर रेगुलर वे में जो छात्र ऑनलाइन एडमिशन लेना चाहते हैं वे उसमें एडमिशन लेते हैं, और ऑफलाइन के रूप में शक्ति कोचिंग में यहाँ एडमिशन लेते हैं और अध्ययन करते हैं। सर मैं मतलब ये जानना चाहता हूँ कि जो प्रतियोगी कुछ मतलब प्रश्नों से रह जाते हैं TGT या PGT में, तो उनके लिए आप क्या मतलब निर्देश देना चाहते हैं? उन्हें हम ये अवश्य निर्देश देना चाहते हैं कि वे निराश न हो जी, क्योंकि 1000 अगर सीट है और उसमें 80,000 अभ्यर्थी बैठ रहे हैं तो स्वाभाविक है कि 70-80% विद्यार्थी परीक्षाओं से बाहर ही हो जाते हैं जी। आजकल संख्या बहुत बढ़ी हुई है जी। लेकिन मेरा हमेशा यह प्रयास रहता है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु भी न छूटे जी। यही कारण रहा कि अतीत में हमारे बहुत सारे विद्यार्थियों ने टॉप किया जी। पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की TGT की परीक्षा में श्री विकास मिश्र ने पूरे प्रदेश में टॉप किया जी। वह हमारे यहाँ कोचिंग में ऑफलाइन विद्यार्थी रहा, शक्ति कोचिंग में ही उसने अध्ययन किया और लगभग 2.5 साल हमारे साथ रहा जी। और उसने पूरे प्रदेश में टॉप किया। इसी के साथ इसके और पीछे चलें तो श्री शिव कुमार मिश्र है, वो इस समय इंटर कॉलेज बरौत प्रयागराज में अध्यापक है जी। उसने भी पूरे प्रदेश में टॉप किया था, वो भी मेरा ही विद्यार्थी था और लंबे समय तक मेरी सन्निधि में रहा, मेरे साथ रहा जी। उसके पहले अगर दृष्टिपात करें तो श्रीमती अपर्णा त्रिपाठी जी, ये GIC में लेक्चरर हुई, ये भी मेरे साथ लगभग 2 वर्ष रही। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से JRF हुई, यहाँ से उसने PhD किया और वहाँ लोक सेवा आयोग में पूरे आयोग में उसने टॉप किया जी। 35 मिनट उसका इंटरव्यू चला जी। और वर्तमान में प्रतापगढ़ GGIC में वह लेक्चरर पद को सुशोभित कर रही है जी। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो विद्यार्थी अध्ययन करते हैं निश्चित रूप से उन्हें सफलता मिलती है जी। लेकिन मान लीजिए कहीं कोई चूक रह गई और उन्हें सफलता नहीं मिली जी, तो भी उन्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए जी। और ये प्रयास करना चाहिए खोजने का कि कहाँ हमारी कमी रह गई जी। ये संस्कृत में एक वाक्य है बड़ा प्रचलित है कि यत्ने कृते यदि निसिध्यति कोत्र दोषः जी। अगर प्रयास करने पर भी हमारे मनोरथ सिद्ध नहीं हुए तो हमें ये प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे प्रयास में कहाँ चूक रह गई। हाँ। तो इसलिए उस चूक को उस भूल को दोबारा सुधारना चाहिए, उसको और अधिक मजबूत करना चाहिए ताकि दोबारा असफलता न मिले जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो समय दिया प्रतियोगियों के लिए, मतलब जो बातें आपने बताई हैं तो निश्चित रूप से उसका मतलब उनको लाभ मिलेगा, तो इसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैंने जो अपना ये चैनल सर शुरू किया है, ये होमलेस लोगों के लिए शुरू किया है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहें तो कहें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बेसहारा लोग हैं जो पड़े हुए हैं, तो जैसे ये चैनल आगे बढ़ेगा तो इससे कुछ भी धन प्राप्त होगा तो लोगों को दिया जाएगा। नहीं बिल्कुल, आपने ये बड़ा ही सराहनीय कदम आरंभ किया है जी, और लोगों को जो समृद्ध लोग हैं या ईश्वरशाली लोग हैं उनमें उनके द्वारा इसमें सहयोग भी किया जाना चाहिए जी, ताकि उनके माध्यम से जो स्थान स्थान की पूंजी है वो है गरीबों में बेसहारा लोगों में वितरित की जा सके जी। बहुत सारे ऐसे अनाथ बच्चे हैं जी, जिनके अध्ययन की भी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है जी, तो उनके खाद्यान्न की व्यवस्था, उनके निवास की व्यवस्था, उनके अध्ययन आदि की व्यवस्था जी इन माध्यमों से की जा सकती है जी। तो ये आपका प्रयास तो निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास जी जी, और जितना भी आप इसके लिए कार्य कर रहे हैं जी जी निश्चित रूप से अनुकरणीय है जी, और सभी लोगों के साथ लोगों को आपके साथ जुड़ करके आपकी सहायता करनी चाहिए जी, और इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहिए।
जी जी अब मैं जो है वो फिर से सर आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय जो उपलब्ध कराया, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल से जुड़े हुए जो भी मेरे मतलब व्यूअर्स हैं, मैं मतलब दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, देखते हैं लोग, तो मैं सभी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।